नवाबगंज बहराइच में सतीजोर गांव में चार बच्चियां डूब गए, जिसमें महक, सामिया, साइबा और सरीकुल खातून डूब गई। तीनों की मौके पर मौत हो गई और एक ही अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। गांव में शोक की लहर है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उन्नाव में सफीपुर क्षेत्र में SBI मिनी शाखा संचालक से 3,45,000 रुपए की लूट हुई है। लुटेरे तमंचे की नोक पर बैग लेकर भाग गए। पीड़ित असीवन थाना क्षेत्र के टिकराव मैदान गांव का निवासी है। घटना की जांच के लिए IG लखनऊ और पुलिस बल मौके पर पहुंचे हैं। महाराजगंज के बरगदवा पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर चोरी की 3 बाइकों के साथ 2 अंतरजनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया है। चोर नेपाल में फर्जी कागज बनवाकर बाइक बेचने की फिराक में थे। पकड़े गए चोर गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर के निवासी हैं। नेपाल सीमा पर 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 3 बाइकें बरामद की गई है। नेपाल सीमा पर बरगदवा थाना पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर इनको चेक किया गया तो इनसे 2 बाइक के मौके पर बरामद हुई और निशानदेही के आधार पर एक और बाइक इनसे बरामद की गई। इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है, योगेश मौर्य, जिसके खिलाफ 3 मुकदमे पूर्ण पंजीकृत किए गए हैं। हरदोई के बेरिंगगंज कोतवाली क्षेत्र में झई रुइया गांव के 3 किसान अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए और प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उन्हें नीचे उतारने की प्रयास कर रही है। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में लियास कुरैशी ने आरोप लगाया कि उसने अपने मंद बुद्धि भाई को बड़े भाई के घर भेजा, जिससे नाराज होकर उसके भाई और बेटों ने मारपीट की और तोड़फोड़ की। लियास ने अपनी पत्नी, बेटी और खुद के साथ मारपीट की शिकायत थाना कोतवाली में दर्ज कराई है। मेरा नाम मोहम्मद इलियास कुरैशी है। क्या हुआ, कितने की मार थी? मेरे पास मेरा छोटा भाई रहता था, 30 साल से, जो के थोड़ा दिमाग से कमजोर है। एक कमरा मेरे घर में उसका था, एक खेलार में मकान था जो मेरे बड़े भाई को मिला था, उसकी अपेक्षा में वो मकान मिला था, यहाँ की अपेक्षा में। उस मकान में भी एक कमरा उसका उसमें था, इन लोगों ने बेच के उसका मकान खा गई। मेरा भाई लेटरिन कर लेता है, पेशाब कर लेता है, पेंटो में लेटरिन कर लेता है, घर में हक देता है। मैं 30 साल से उसको निभा रहा था। फिरोजाबाद में 14 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत में 2.5 लाख से ज्यादा शिकायतों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें राजस्व, बैंक और अन्य विभागों के बाद शामिल हैं। उनके माध्यम से ही जो आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14 सितंबर को होने वाली है, उसके संबंधित 50% किया है और प्रेस के माध्यम से सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके कि किस तरह के मामले तय होंगे और इसका ज्यादा से ज्यादा 50%। झांसी के मऊरानी थाना क्षेत्र में एक युवक ने सराफा की दुकान में चांदी के जेवरात चुराए और फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर जांच शुरू की है। पीड़ित ने कार्रवाई की मांग। क्या नाम आपका? राजकुमार सोनी। कहां से आप हैं, कहां दुकान रखे हैं आप? दुकान ये सेंट मेरिज अस्पताल के सामने जी। क्या घटना घट गई आपके साथ में यहाँ पर? क्या घटना घट गई आपके साथ? एक बदमाश आया जी, तो वो सामान वामान देखने लगा जी। सामान देखने के एक जो इस चांदी की वो हाली जी, हाली 130 रुपए की, 500 का नोट दिया, मैंने 370 रुपए वापस दिया उसको जी। और बस जो है वो फिर कहने लगा कि वो कुंडल वगैरह दिखा दो, बाली वगैरह जी। तो दिखाया, हम डिब्बे लिए, डिब्बा लिए थे पूरा, उसमें डिब्बी रखी थी, एक डिब्बी उसने उठाई सोने की, उठा के भाग गया। बस्ती के मुंडरवा थाना क्षेत्र में अनीस अहमद ने पुलिस को तहरीर दी कि गौ हत्या मामले में गवाह बनने के कारण उसे शमशुद्दीन और उसके सहयोगी सराज ने जान से मारने की धमकी दी है। 8 सितंबर को अनीस को दोनों ने बस्ती में ही रोका और कट्टा दिखाकर धमकाया। एक गौकसी का मामला था जिसमें जो गवाह है अनीस, उसको बार बार धमकी मिल रही है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज एक्शनल SP से मिले हैं उस हिसाब से, और अनीस को भी लाया गया था। अनीस से भी उन्होंने पूछताछ की, बातचीत की, और हम लोग का सिर्फ आशय ये था कि गवाही के समय उसके ऊपर जो दबाव पड़ रहा है, उसको जो धमकी मिल रही है, उसमें प्रशासन सहयोग करे और उसकी गवाही, जिससे ये मामला पटा छेद। हरदोई में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बेलग्राम तहसील का निरीक्षण कर गंदगी और टूटी खिड़कियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने हाउस टू हाउस सर्वे की जानकारी ली, कंडम उपकरण की नीलामी और रजिस्टर में सही ब्यौरा दर्ज करने के निर्देश दिए। निरीक्षण से तहसील के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। गोंडा के विशनपुर संगम गांव में डायरिया से 3 बच्चों की मौत हो गई, जिनमें 2 सगी बहनें भी शामिल हैं। मृतकों में 25 दिन, 8 साल और 2 साल के बच्चे शामिल हैं। अन्य प्रभावित बच्चों को CHC भेजा गया है।
जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए अपने मैनिफेस्टो में शंकराचार्य पर्वत को तख्त सुलेमान बताया है, जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिंदर नाथ ने इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा बताया और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। तो इस तरह से भाई हमने एक विशेष पर्पज के लिए उनके साथ गठबंधन किया है। हम अपने मैनिफेस्टो से, हमारे मैनिफेस्टो में क्या है, हमारे क्या वादे हैं, वो हमारे हैं। हम एनसी के विषय में जो है, मैं कौन हूँ टिप्पणी करने वाला। हम कोई आवश्यक थोड़ी है कि उनके मैनिफेस्टो में जो कहा गया है वो हम पर लागू होगा। चमोली के अटल उत्कृष्ट जीआईईसी कोठली में शिक्षकों की नियुक्ति मांग को लेकर चल रहा धरना मंगलवार को 9वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने आमरण अनशन की चेतावनी दी है, लेकिन जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी से मिले आश्वासन के बाद अनशन स्थगित कर क्रमिक अनशन जारी रखने का फैसला लिया गया। ईओ ने 3 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन दिया है। और जहाँ पर विगत 2 सितंबर से हम लोग जो हैं कर्मी कांचन पे बैठे थे, धरना प्रदर्शन तमाम क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, अभिभावक संघराज के इंटर कॉलेज कोठली के द्वारा, जो हमारे अध्यक्ष हैं भाई कमलेश रतुड़ी जी, इनके सानिध्य में जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा था, वो पूरे मीडिया के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो है पूरे शासन प्रशासन को हम लोग अवगत करा चुके थे कि यहाँ पर कई लंबे समय से जो रिक्त अध्यापकों के रिक्त पदों रिक्त चल रहे हैं, जो अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं, उसके संबंध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। बीच में कई बार शासन प्रशासन से हमारी वार्ता भी हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई प्रतिफल हम लोगों को नहीं मिला है। लगातार हमारा ये धरना प्रदर्शन। हरिद्वार में एक लड़की सोशल मीडिया पर रील बनाते समय गंगा नदी में गिर गई। विष्णु घाट पर ग्रिल से गिरकर वो बहाव में फंस गई, लेकिन जल्द ही ग्रिल पकड़कर अपनी जान बचा ली। पैर फिसलने से घायल भी हो गए। सोशल मीडिया पर रील बनाने का यह जुनून कई बार लोगों की जान को खतरे में डाल देता है। चमोली में हिमालय की देवी मां नंदा की वार्षिक लोक जात यात्रा नंदा समाप्ति पर समाप्त हो गई। श्रद्धालुओं ने पौराणिक लोकगीतों और जागरूक के साथ मां नंदा को कैलाश विदा किया। महिलाओं की आंखों में आंसू थे और समोर के रूप में भेंट अर्पित की गई। बेदनी बुग्याल में 37वें रूपकुंड महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। अब मां नंदा सिद्धपीठ देवराडा में 6 महीने के लिए प्रवास के लिए जाएंगी। ललितपुर के ग्राम विरधा में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। घटना के बाद मृतकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां 3 को मृत घोषित किया गया और एक महिला को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया।